कुरौली क्षेत्र के रहने वाले विकलांग पीड़ित ने नामजद व्यक्ति द्वारा उसकी दुकान से चोरी किए गए मामले में थाना पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने से परेशान होकर पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर मौजूद यही वह पीड़ित व्यक्ति है जिसका नाम अखिलेश कुमार पुत्र स्वर्गीय तिवारी लाल जो कि थाना कुरौली क्षेत्र के कस्बा सुरजई का निवासी है। पीड़ित ने एक शिकायती पत्र पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दिया है जिसमें बताया है कि पीड़ित की जीटी रोड कुरौली के किनारे वर्मा किराना स्टोर कन्या पाठशाला के पास दुकान है जो वर्ष 2023 में पारिवारिक प्रॉपर्टी बंटवारे के चलते बंद है। कुछ दिन पहले ही पीड़ित के भाई ध्रुव सिंह और चंद्रशेखर द्वारा दुकान से सामान चोरी कर लिया गया। गौरव सिंह चंद्रशेखर ने सामान से अपनी नई दुकान भी खोली है। पीड़ित ने शिकायती पत्र में यह भी बताया है कि वह और उसकी पत्नी शारीरिक रूप से विकलांग है, उनके पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है। उसी दुकान से पीड़ित अपने परिवार का भरण पोषण करता है। 30 जनवरी के दिन इस बात की शिकायत थाने पर की गई थी लेकिन अभी तक थाने पर उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई जिससे पीड़ित परेशान है और अब न्याय की गुहार लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा है। पीड़ित ने क्या कुछ बताया यह जरा आप भी सुनिए। क्या नाम आपका? अखिलेश कुमार। कहाँ से आए आप? कुरौली से। जी आप एसपी कार्यालय आए, क्या समस्या आप? समस्या जो है भाइयों ने दुकान मकान और जमीन जाया सब छीन दे रहे हैं और छीनने को पट्टी दुकान भरी हुई थी और वो सामान चोरी कर ले गए रातों में। कब की घटना ये? घटना उसमें अच्छा, फिर आपने कोई शिकायत नहीं की थाने में? शिकायत करते कोई सुनवाई नहीं होती है, पुरानी कोई सुनवाई नहीं होती है। फिर क्या हुआ? इस वजह से मैं यहाँ आप एसपी साहब से आई। एसपी साहब से आपकी मुलाकात हुई? सप्ताह सिंह साहब से मिलने आए। हाँ, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने ये कहा है कि आप वहाँ पर चले जाना, का नाम है सीओ साहब से कहा आदेश कर दिया तुम जाओ। उन्होंने कह दिया आदेश कर दिया हाँ जाओ।